तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं, ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। ये वीडियो मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर दिखाया जाए। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि जो कुछ इस एफआईआर में लिखा है, जो कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेहोशी के हालत में थी, मैं दर्द से कराह रही थी, मैं लंगड़ा रही थी, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो साफ कर देता है कि बिल्कुल भी इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं थी। तो आज इन दोनों वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। कल से, जब से ये वीडियो सामने आए हैं, जब से ये षड्यंत्र सामने आया है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो स्वाति मालीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? इस केस का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? तो आज मैं इस पूरे मामले का, स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं।